प्रदेश के बीच इंदौर के होलकर स्टेडियम में चल रहे टेस्ट मैच का शनिवार को तीसरा दिन है। भारत ने शुक्रवार को दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 6 विकेट पर 493 रन बना लिए थे। शनिवार को भारत ने पारी की घोषणा करते हुए बांग्लादेश को बैटिंग के लिए आमंत्रित किया है। दूसरी पारी में भी बांग्लादेश की शुरुआत खराब रही है। ओपनिंग बल्लेबाज इंदौर कायस को 6 रन के निजी स्कोर पर उमेश यादव ने बोल्ड कर दिया है। ईशांत शर्मा ने भारत को दूसरी सफलता दिलाई है। उन्होंने शादमन इस्लाम को 6 रन के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके बाद शमी ने कप्तान मोमिनुल हक को 7 रन के निजी स्कोर पर LBW कर पेविलियन भेज दिया है। इसके बाद शमी ने मोहम्मद मिथुन को भी मयंक अग्रवाल के हाथों कैच करवा दिया। उन्होंने 18 रन बनाए। बांग्लादेश अभी भी भारत से 295 रन पीछे है। उसे यह लीड उतार कर भारत को टारगेट देना है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में उस पर हार का खतरा मंडरा रहा है। अभी बांग्लादेश में 4 विकेट पर 48 रन बना लिए हैं।